बीसीसीआई ने भारतीय टीम के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। नया सीरीज रहेगा और नया कप्तान यहां पर मिलने वाला है। इसके साथ ही गौतम गंभीर एरा की शुरुआत भी हो जाएगी। गौतम गंभीर की बतौर हेड कोच ये पहली सीरीज होने वाली है। भारत और श्रीलंका सीरीज की बात करें तो अभी तक बस चर्चा हो रही थी, लेकिन अब फाइनली बीसीसीआई ने उस पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है कि कब कब जो मुकाबले खेले जाएंगे, T20 मुकाबले और फिर ओडीआई मुकाबले। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है और साथ ही समय भी मुकाबलों का जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि T20 मुकाबले खेले कब जाएंगे। शेड्यूल की बात करें तो पहला जो T20 मुकाबला है वो 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके अलावा दूसरा T20 मुकाबला 27 जुलाई को और तीसरा T20 मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाएगा। और फिर ODI सीरीज की अगर बात कर ली जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच पहला ODI मुकाबला 1 अगस्त को होगा और वहीं दूसरा ODI मुकाबला 4 अगस्त को और तीसरा ODI मुकाबला 7 अगस्त को खेला जाएगा। इन मुकाबलों की अगर हम समय की बात करें तो T20 मुकाबले 7 बजे शुरू होंगे और वहीं ODI मुकाबले 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगे। और जो T20 की अगर बात करें तो ये शाम को 7:30 बजे मुकाबले शुरू होंगे भारतीय समय अनुसार। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तरीके से ये शेड्यूल अपने आप में खास भी है और अगर आप देखें भारतीय टीम के लिहाज से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नया कप्तान जो खबर आ रही है कि सीरीज में आपको नया कप्तान दिखाई देंगे। T20 में अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या कप्तानी करते दिखाई दे सकते हैं और वहीं ODI फॉर्मेट में KL राहुल कप्तानी करते दिखाई देंगे, क्योंकि अभी जो गंभीर एरा में ऐसी खबरें आ रही है कि ये दोनों तरीके से अगर आप देखें एक तरीके से KL राहुल को भी कप्तानी मटेरियल ही समझा जा रहा है और T20 फॉर्मेट में जो है मामला क्लियर रहेगा कि यहां पर हार्दिक पांड्या टीम को लीड करने वाले हैं। देखना पड़ेगा क्या होता है, लेकिन शुरुआत कैसी होती है और टीम का चयन पर क्या आधार रहेगा, इन सब पर सबकी नजरें रहने वाली है क्योंकि जिस तरीके से गौतम गंभीर को लेकर हाइप बनी हुई है ऐसे में सभी की नजर जरूर रहने वाली है कि टीम सिलेक्शन पर कि किन किन खिलाड़ियों को यहां पर मौका दिया जाएगा। और ODI खासतौर पर इस लिहाज से क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर आप देखें तो भारतीय टीम को बहुत ज्यादा ODI खेलने नहीं है, उस लिहाज से ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको क्या लगता है कि सीरीज में क्या सीनियर्स खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें।